स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। जब बार मैग्नेट क्या है, रेस्ट में है, मीन्स स्टेशनरी पोजीशन में है, तो गैल्वनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन सो नहीं हो रहा है। दिस इज द डायग्राम ए, ठीक है। सेकेंड डायग्राम में हमने क्या किया, जो मैग्नेट है ये, ठीक है, इस मैग्नेट को मोशन कराया टुवर्ड्स द क्वाइल, ठीक है। ये क्वाइल्स हैं, इस क्वाइल के पास इसका मोशन कराते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है। मींस गैल्वनोमीटर क्या है, गैल्वनोमीटर इज ए स्मॉल करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है जो कि बताती है कि सर्किट में करंट है या नहीं है, ठीक है। जब गैल्वनोमीटर डिफ्लेक्शन से होता है तो उसका मींस क्या है, इस क्वाइल में करंट है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण सेकंड क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है। मीन्स ये पोल नॉर्थ आ रहा है तो यहाँ भी नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है, और नॉर्थ पोल क्रिएट होने से क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ एंटी क्लॉक वाइज। और जैसे ही हम अगेन क्या करेंगे, मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन में ले आएंगे, तो गैल्वनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर जीरो हो जाएगा। मीन्स इस क्वाइल में कोई भी करंट नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें हमने क्या किया था, बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द क्वाइल ला रहे थे, लेकिन इन दिस कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये जो वार मैग्नेट को है हम क्वाइल से दूर ले जाएंगे, फॉर अवे फ्रॉम द क्वाइल्स। इफ बी मूव द वार मैग्नेट फ्रॉम फॉर अवे द क्वाइल, देन बी अगेन फाइंड आउट दैट गैल्वनोमीटर हैज सम डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। तो यहां डिफ्लेक्शन फिर मिलता है, ठीक है। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, पहले एंटी क्लॉक वाइज थी, और इस बार क्वाइल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्लॉक वाइज होगी। क्लॉक वाइज का मीन्स है करंट यहां, ये जो एंड है क्वाइल का वो साउथ पोल की तरह वर्क करेगा, और ये जो एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो फैराडेस एक्सपेरिमेंट में आप फोर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चार डायग्राम को अपनी कॉपी पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ऑफ फैराडेस एक्सपेरिमेंट, द गैल्वनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन मींस इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन दिस क्वाइल और सर्किट। इंड्यूस्ड करंट क्या है, फ्लो हो रही है, ओनली व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड मैग्नेट। मींस अगर आप इस बार मैग्नेट को रेस्ट में रखें और क्वाइल को मूव कराएं तो भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। मींस क्या है, दोनों में से कोई एक मोशन में रहे तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। मींस हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड द मैग्नेट। हमने देखा यहां करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉक वाइज, मीन्स ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है क्वाइल। और जो बार मैग्नेट कफ जब हम टुवर्ड्स द क्वाइल ला रहे थे, इसे मोशन करा रहे थे, जैसे ही हमने मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ
इन द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस। अगर हम डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में इंक्रीजेस कैसे कर सकते हैं, इफ द मैग्नेट एंड द क्वाइल आर रैपिडली मूव्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, उसके डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं जब मैग्नेट और क्वाइल का मूवमेंट हो। ठीक है, अब यहां एक वर्ड आया है मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स।